हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बी साइन थीटा, है ना, और एन कैप, ठीक है। तो देखो इतना दूर तो मैग्नीट्यूड का हिस्सा है ना, और ये जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है, ये डायरेक्शन को यहाँ पे शो करता है, ठीक है, और ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो केवल डायरेक्शन को ही इस्तेमाल करता है। अब देखो इसका रियल मीनिंग क्या होता है, देखो अगर हम लोग एक प्लेन यहाँ पर ऐसे लेते हैं, ये मेरा एक प्लेन है, मान लेते हैं कि इस प्लेन पर दो वेक्टर हैं, इस प्लेन पर ये एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एक प्लेन पर हो गया। अब देखो यहां पर एंगल कुछ भी हो सकता है, तो क्योंकि इस प्लेन में जो परपेंडिकुलर आए हैं वो दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा और इसी तरीका से इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा वो नीचे आएगा। तो अगर हम ऊपर डायरेक्शन को ले लें तो ये देखो बी पर भी परपेंडिकुलर है और ये ए पर भी परपेंडिकुलर है ना, तो ये जो डायरेक्शन ये आया यही है ए क्रॉस बी, समझे, और इसका जो यूनिट वेक्टर यहां पर है यानी जिसका लंबाई 1 है इसको बोलते हैं एन कैप, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसी डायरेक्शन में क्यों दिया गया, तो इसका कारण ये है कि हम लोग यहां पर डायरेक्शन को निकालते हैं राइट हैंड रूल की सहायता से, और जो राइट हैंड रूल है उसमें हम लोग क्योंकि पहले ए और बी, ए को बी से गुना करना था, इसलिए हम अपना देखो जो दाहिना हाथ है ना, पहले हम ए के डायरेक्शन में रखेंगे, है ना, और उसको बी की ओर मोड़ेंगे, ए के डायरेक्शन में रख के कहाँ मोड़ेंगे, बी की ओर मोड़ेंगे, तो अंगूठा कहाँ आया, ऊपर, तो इसलिए ए क्रॉस बी ऊपर आएगा, है ना। अगर मान लो रहता करना बी क्रॉस ए तो क्या आता, तो इस केस में हम लोग पहले बी के डायरेक्शन में हाथ रखेंगे और उसको ए की ओर मोड़ेंगे, अंगूठा कहाँ आएगा, नीचे, है ना, हम लोग पहले बी के डायरेक्शन में रखेंगे और उसको ए की ओर मोड़ेंगे तो अंगूठा कहाँ आएगा, नीचे, तो ये जो होगा ये हो जाएगा डायरेक्शन बी क्रॉस ए, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो डायरेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए डायरेक्शन के लिए हम लोग एक नियम यहाँ पर बनाते हैं, और वो नियम कुछ इस तरीका से है कि देखो ये है आई कैप, ये है जे कैप और ये है के कैप, और हम लोग एक सर्कल ऐसे बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई और जे के बीच में हम क्रॉस करेंगे तो आई और जे क्रॉस होकर के क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, मतलब आई और जे जब क्रॉस होगा तो के बनेगा, देख लो आई और जे क्रॉस होगा तो के बनेगा, और जे और के अगर क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा, और अगर के और आई क्रॉस होगा, है ना, तो के और आई क्रॉस होगा तो जे बनेगा। लेकिन अगर उल्टा डायरेक्शन आ जाए, मतलब आई जे के बदले में हम इसको लिखें जे क्रॉस आई, है ना, तो क्योंकि जे और आई उल्टे डायरेक्शन में क्रॉस हुए तो आ जाएगा माइनस के, और इसी तरीका से अगर के को क्रॉस करें जे से तो आ जाएगा माइनस आई, और अगर आई को क्रॉस करें के से तो आ जाएगा माइनस जे, ठीक है, इस तरीका से। अगर हम लोग एक और यहां पे सिचुएशन अगर लेना चाहें, और वो सिचुएशन कुछ इस तरीका से है कि क्या होगा,
अगर हम लोग आई क्रॉस आई करें तो क्या होगा? तो फार्मूला से देखो, अगर हम आई क्रॉस अगर आई करते भी हैं तो इसका मैग्नीट्यूड एक होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड एक होगा, और दोनों के बीच में साइन 0 डिग्री आएगा फार्मूला से, क्योंकि आई और आई सेम डायरेक्शन में है, और साइन 0 डिग्री इसका वैल्यू क्या होता है 0, तो जब 1, 1 और 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, है ना। यानी इसमें यह पता लगता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग सेम चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएंगे, है ना। एक उदाहरण देखो, मान लो हमें 2i cap - 3j cap को क्रॉस करना है माइनस 2i cap + 4j cap - 3k cap, ठीक है। तो रूल के अनुसार पहले हम लोग 2i और 2i को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो i और i मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 होगा ना। इसके बाद यही 2i को हम लोग 2i को 4j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा 8 आएगा, और i और j क्या आएगा देखो i और j k बन जाएगा, तो k कैप लिखेंगे। इसके बाद तीसरा 2 और -3 गुना होगा तो -6 आएगा, और i और k गुना होगा तो देखो i और k उल्टा ना हो गया तो -j बन जाएगा, देख लो i और k का उल्टा चक्र आ गया तो -j हो गया। अब इसको करो मल्टीप्लाई इससे तो -3 और -2 मल्टीप्लाई होकर +6 हो जाएगा। अब j और i को गुना करो तो देखो j और i यहां भी उल्टा हो रहा है गुना, है ना, बिल्कुल उल्टा, तो आ जाएगा -k। फिर हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे तो -3 और 4 -12 आ जाएगा, लेकिन j और j गुना होकर के इसको 0 बना देगा, सेम चीज आ गया। इसलिए अब j को हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, तो -3 और -3 गुना होकर हो जाएगा +9, और j और k जब गुना होगा तो देखो j और k गुना होकर i बनेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या देखते हैं, k जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, ये 8k है और ये -6k है, दोनों को मिला के क्या आ जाएगा 2k आ जाएगा, है ना, और ये -, +6j हो जाएगा, और ये हमारा +9i हो जाएगा, और ये जो आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का। तो इस तरीका से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं।